सो हेलो गाइस, ड्रिप गोगो की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुहान किसी की बात नहीं सुनता और वो जिरेन को खत्म ही करने वाला होता है, मगर गोकू बीच में आकर जिरेन को बचा लेता है। इसके बाद गोकू फैसला लेता है कि वो अब गुहान को और फाइट करने नहीं देगा, क्योंकि गुहान ने रूल्स को ब्रेक कर दिया था। मगर वेजिटा के समझाने पर गोकू गुहान को लड़ने की परमिशन दे देता है। तो जिसने भी पिछला पार्ट नहीं देखा वो देख लेना, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। तो एक जगह पर बैठ जाओ और वीडियो को पूरा देखना। सीन की शुरुआत होती है चैंपा से, और वो कहता है, अब हमारी बारी है लेडोस, हम इस मैच को बड़े ही आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सुपर चेंड्रोन का वॉरियर है। लेडोस कहती है, मगर लॉर्ड चैंपा, आपको नहीं लगता कि हमें सुपर चेंड्रोन से मदद नहीं लेनी चाहिए थी? चैंपा बोलता है, अरे तुम चुप करो, तुम अगर किसी को बताओगी तो सब पता चल जाएगा, वरना ये राज राज ही रहेगा। लेडोस कहती है, ठीक है लॉर्ड चैंपा, मैं तो बस आपके ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रही हूँ। चैंपा कहता है, वेरी गुड, अब बस फाइट का इंतजार करो। अब सीन जाता है गुहान पर, और वो बोलता है, वेजिटा, लॉर्ड बीरस, क्या आप मुझे बताओगे कि अगली फाइट में कौन आने वाला है? बीरस कहता है, गुहान तुम थोड़ी देर चुप करो, और वेजिटा बताओ मोनाका ने क्या देखा? वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मोनाका ने एक लाल पीले बालों वाला सेन देखा था, और वो काफी पावरफुल भी है, ऐसा मोनाका ने बताया है। बीरस कहता है, गोकू तुम क्या कहते हो? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे भी ऐसे सेंस के बारे में कोई खबर नहीं है। बीरस कहता है, मैं चैंपा को जानता हूँ कि वो बड़ा ही शातिर है, उसने इस मैच में दोबारा ऐसे ही कदम नहीं रखा है। वेजिटा कहता है, आप कहो तो मैं यूनिवर्स 6 मर जा कर आऊँ लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, मुझे लगता है कि हम में से किसी को वहाँ जाना चाहिए। वेजिटा कहता है, तो फिर ठीक है मैं वहाँ जाता हूँ। गोकू कहता है, वेजिटा लगता है कि मुझे भी साथ चलना चाहिए है। वेजिटा कहता है, नहीं कैकरोट, तुम यहीं रहो और गुहान को ट्रेन करो, मैं वहां जाकर पता करता हूँ। पीरस कहता है, ठीक है वेजिटा जाओ, मगर याद रहे कि वहां कोई झगड़ा ना हो। वेजिटा कहता है, जी लॉर्ड पीरस। अब सीन जाता है बेलमोट पर, और वो जिरेन से कहता है, क्या हुआ जिरेन, तुमने तो कहा था कि तुम्हें खुद पर यकीन है, और वहां ग्राउंड में भी तुमने मेरी बात को नहीं माना, अब देख लो रिजल्ट। जिरेन कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे मालूम नहीं था कि गुहान अचानक से इतना पावरफुल हो जाएगा। टोपो कहता है, जिरेन तुमने तो नाक कटवा दी, खैर छोड़ो, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब सीन जाता है फिर से यूनिवर्स 6 पर, जहां पर वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा, विश और वेजिटा यहां पर आ रहे हैं। चैंपा कहता है, ये हमारे ही यूनिवर्स में क्यों भटक रहे हैं? वेडोस कहती है, शायद उन्हें पता चल गया होगा। चैंपा कहता है, चुप करो तुम। तभी वेजिटा वहां पर आ जाता है और कहता है, कैसे हो चैंपा? चैंपा बोलता है, बहुत बढ़िया, तुम बताओ यहाँ पर कैसे आना हुआ? वेजिटा कहता है, तुम्हें तो पता ही है ना कि अब नेक्स्ट फाइट गुहान और यहाँ के फाइटर के बीच में होने वाली है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे देख लूँ। चैंपा कहता है, ओ मुझे माफ करना वेजिटा, मगर मैं उसे तुमसे नहीं मिलवा सकता हूँ। वेजिटा कहता है, क्यों, कोई खास वजह? चैंपा कहता है, वो फाइटर यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए तुम उससे डायरेक्ट मैच में ही मिलना। वेजिटा कहता है, ओ चलो भी चैंपा, मुझे पता है कि वो यहीं कहीं है, तुमने उसे छुपा कर रखा है, तो जल्दी करो। चैंपा कहता है, वो यहाँ नहीं है, उसे आने में समय लगेगा। वेजिटा कहता है, ओ कोई नहीं, हम तब तक वेट कर लेते हैं, क्यों विश? विश कहता है, हाँ लॉर्ड वेजिटा, और मैं तो खाना भी बांध कर लाया हूँ। वेजिटा बोलता है, बहुत बढ़िया किया विश, तो चैंपा तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? चैंपा कहता है, नहीं तुम रुक सकते हो। वेडो सब चैंपा से कहती है, मैं तो कहती हूँ इन्हें राइकून से मिलवा दीजिए और इस मामले को यहीं पर ठंडा कर दीजिए। चैंपा कहता है, ठीक है ले आओ उसे, मगर यहाँ पर सुपर ड्रैगन बॉल्स का कोई भी जिक्र नहीं करेगा, और ये बात तुम उसे भी समझा देना। वेडोस कहती है, जी लॉर्ड चैंपा। वेजिटा कहता है, और बताओ चैंपा, तुमने कंपटीशन में दोबारा आने का कैसे सोचा? चैंपा बोलता है, मैं तो बस ग्रैंड मिनिस्टर की मदद करना चाहता हूँ, ताकि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रॉयर मिल सके,
और मेरा यकीन मानो कि गोहान अगर जीतता है और मैं तो उसे एक्सेप्ट भी करूँगा। वजीटा कहता है, ठीक है चंपा, अब उसे जल्दी से ले आओ। तभी वहाँ पर राइकोन आ जाता है और वो कहता है, लॉर्ड चंपा, क्या आपने मुझे बुलाया? चंपा कहता है, हाँ इनसे मिलो, ये है हमारे पड़ोसी यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर। अब वजीटा राइकोन की तरफ देखता है और उसकी की को सेंस करने की कोशिश करता है, मगर वजीटा को उसकी की सेंस नहीं होती। राइकोन कहता है, कोशिश बेकार है। वजीटा राइकोन से कहता है, तुम्हारे बारे में मैंने पहले तो सुना नहीं, तो तुम कहाँ से आ गए? राइकोन कहता है, मैं एक यूनिक सेयन हूँ जो यूनिवर्स में बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब वजीटा मन में सोचता है, मैं इसकी की को सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर कौन है ये? राइकोन बोलता है, ओह हमने तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। हाय मेरा नाम है राइकोन। वजीटा कहता है, मेरा नाम है वजीटा और सच बताऊं तो मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। राइकोन भी मन में सोचता है, इसे मुझे देखकर क्या अच्छा लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वजीटा कहता है, विश क्या कहते हो, चलें? विश कहता है, जी लॉर्ड वजीटा। राइकोन कहता है, क्या आप दोनों थोड़ा लंच करना चाहोगे? वजीटा कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं बस यहाँ पर तुमसे मिलने आया था। चंपा कहता है, तो कैसा लगा तुम्हें मेरा फाइटर? वजीटा कहता है, बहुत खूब चंपा, बाकी सब इसकी ताकत मैच में ही पता चलेगी। अब वजीटा वहाँ से चला जाता है। चंपा कहता है, ये पक्का कुछ तो दिमाग में चला रहा है। राइकोन कहता है, कोई बात नहीं, करने दो उन्हें जो करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो सारी बातें बीरस को बता देता है। बीरस कहता है, अगर उसकी ताकत का हमें पता नहीं चलता है तो ट्रेनिंग का कोई फायदा ही नहीं है। वजीटा कहता है, ये मैच गोहान के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है। गोहान कहता है, मैं उसे भी देख लूंगा। तभी वजीटा बोलता है, हर बारी ओपोनेंट तुम्हारी फॉर्म के हिसाब से नहीं आता है, समझे? तुम्हें और ट्रेनिंग करनी चाहिए है। गोकू कहता है, मैं तो इस मैच से परेशान हो चुका हूँ, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिक्स पर और वो जैनो से कहता है, जैनो सामा, यूनिवर्स 13 का 90% काम पूरा हो चुका है, अब बस डिस्ट्रॉयर की तलाश है। जैनो बोलता है, तो तुम्हें कब मिलेगा वो डिस्ट्रॉयर? ग्रैंड प्रिक्स कहता है, बस एक फाइट के बाद ये तय हो जाएगा कि कौन है डिस्ट्रॉयर के लायक। जैनो कहता है, मगर ध्यान रहे डाई, वो यूनिवर्स एकदम सही होना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप चिंता मत करिए ग्रैंड जैनो, मैं जानता हूँ कि यूनिवर्स 12 यूनिवर्स के बाद मल्टीवर्स में डार्क एनर्जी आ जाती है, लेकिन हम डिस्ट्रॉयर यूनिवर्स 12 के अंदर से चुन रहे हैं, इसलिए अब कोई परेशानी नहीं होगी। जैनो कहता है, ठीक है, लेकिन तुम एक बार उनको भी इन्फॉर्म कर देना। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, क्यों ग्रैंड जैनो, आप नहीं चलने वाले हो वहाँ पर? जैनो कहता है, नहीं डाई, मुझे तो अब इनकी फाइट देखकर नींद आती है, इसलिए तो मैं जाना वहाँ पर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है ग्रैंड जैनो, ये काम आप बस मुझ पर सौंप दीजिए। अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर। बीरस कहता है, अजीब बात है, जब मैं चंपा के प्लेनेट में गया था तब तो चंपा ने मुझे किसी से नहीं मिलवाया, और अब देखो अचानक से उसका फाइटर भी आ गया। गोहान कहता है, लॉर्ड बीरस, हम एक काम करते हैं, हम उन सभी को यहाँ पर बुला लेते हैं, इसी बहाने मैं भी उस फाइटर से मिल लूंगा। बीरस कहता है, तुम्हें उससे मिलकर क्या करना है? गोहान बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा ओपोनेंट कौन है। वजीटा कहता है, नहीं गोहान, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें पता नहीं कि चंपा को हम पर शक हो रहा है कि हम उसकी जासूसी कर रहे हैं। अब मीरस वहाँ पर आ जाता है और कहता है, कैसे हो आप सभी? गोकू कहता है, मीरस तुम यहाँ पर, सब ठीक तो है ना? मीरस कहता है, हाँ गोकू सब ठीक है, मैं तो बस तुम लोगों से मिलने के लिए आया था। विश कहता है, मगर अचानक से तुमने कुछ बताया भी नहीं। मीरस कहता है, वैसे मैं आप सभी को ये बताने आया था कि फादर ने मुझे यूनिवर्स 13 के लिए चुन लिया है। अब गोकू ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है, क्या बात कर रहे हो मीरस, तुम्हें ग्रैंड मिनिस्टर ने एंजल के लिए चुना। मीरस कहता है, हाँ गोकू, मगर मैं ये चाहता हूँ कि गोहान ही मेरा डिस्ट्रॉयर बने, क्योंकि मैं तो खुद ही यूनिवर्स 7 से हूँ। विश कहता है, नहीं मीरस,
एक बारी तुम एंजल बन गए तो तुम यूनिवर्स 7 के नहीं रहोगे और तुम्हें एक एंजल लाइफ बितानी होगी। मीरज कहता है, जानता हूँ, इसलिए तो यहाँ पर आया हूँ ताकि गोहान से कह सकूँ कि मैच को वही जीते। गोहान कहता है, टेंशन मत लो मीरज, इस मैच को मैं ही जीतूंगा। मीरज बोलता है, अच्छा तो मेरे पास यहाँ रुकने का समय नहीं है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। गोकू कहता है, ठीक है मीरज। अब मीरज वहाँ से चला जाता है। गोहान बोलता है, मेरी टेंशन तो अब बढ़ती ही जा रही है, पता नहीं आखिरी फाइटर कितना स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ देर बाद ग्रैंड प्रिस्ट अनाउंस करते हैं तो यूनिवर्स 6 और 7 के डिस्ट्रॉयर और एंजल, आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट फाइट आज शाम को होगी, इसलिए सभी रेडी रहना और इस फाइट में मुझे किसी की कोई गलती नहीं दिखनी चाहिए है, जैसे पिछली बार हुई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस मैच को जीतने वाला डिस्ट्रॉयर की पोजीशन को पालेगा, तो तैयारी कर लो। अब सीन जाता है वजीटा पर। वो गोहान से कहता है, गोहान आज शाम को तुम्हारी फाइट होगी, इसलिए रेडी रहना। गोहान कहता है, ये ग्रैंड मिनिस्टर इतनी जल्दी क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वजीटा कहता है, वो ऐसे ही हैं, क्या तुम भूल गए उन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर को कितनी जल्दी शुरू कर दिया था। बीरस कहता है, वजीटा तुम ही गोहान को ट्रेनिंग दे दो। वजीटा कहता है, कैकरोड कहाँ गया, वो क्यों नहीं ट्रेनिंग दे रहा है। बीरस कहता है, वो यहाँ नहीं है। वजीटा कहता है, वो यहाँ नहीं है तो वो कहाँ गया। बीरस कहता है, पता नहीं कहाँ गया वो, ऊपर से ग्रैंड मिनिस्टर ने आज ही फाइट रख दी है। अब हम देखते हैं गोकू को जो कि अपनी ट्रिप फॉर्म में है और वो इनविंसिबल होकर चैंपा पर नजर रख रहा होता है। गोकू बोलता है, मैं भी तो देखूं कि वो फाइटर कौन है। अब गोकू देखता है कि चैंपा और राइकून आपस में बात कर रहे होते हैं। गोकू राइकून को देख लेता है और बोलता है, ओह माय गॉड, क्या यही है वो सेन? नहीं, इसका पावर लेवल काफी ज्यादा है, इसे गोहान नहीं हरा सकता है। तभी चैंपा कहता है, वेडोस चलो चलने की तैयारी करो। वेडोस कहती है, जी लॉर्ड चैंपा। गोकू कहता है, नहीं, गोहान इसके लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं है, अब क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और क्या गोहान राइकून को हरा पाएगा कमेंट में बताना। ओके, बाकी ये तो कल ही पता चलेगा कि कौन विनर होगा, और तब तक के लिए बाय बाय।